हे गाइस, वेलकम। आई एम अरविंद, यू आर वाचिंग ऑनलाइन जीनियस। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट देना होता है जिसका नाम होता है एज डिक्लेरेशन फॉर्म। ये आपको वहाँ से डाउनलोड करके सिंपली फिल करना होता है। तो वो एज डिक्लेरेशन फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं, आप साइड में देख सकते हैं। ये आपको अभी स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा कि जो एज डिक्लेरेशन फॉर्म है, सिंपली ये आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को बिना इसके प्लास्टर देखिए। साथ में अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, एज डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के लिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। वहीं मैं आपको बताऊंगा कि आप एज जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो सिंपली कैसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा एनवीएसपी आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे एक नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपको मतलब कि स्क्रीन पे इंटरफेस आ जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना हो, आपको यहाँ पे साइड पे एक ऑप्शन है 3 डॉट का, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको आना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट, यानी आपकी ये साइट जो अभी ओपन हुई है मोबाइल बेस पे ओपन हुई है। सिंपली आपको इसको डेस्कटॉप बेस पे आपको कर लेना है, जिससे आपको ये काफी आसानी से आप फॉर्म फिल कर सकें। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं, ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्च इन इलेक्ट्रिकल रोल, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वेबसाइट पे यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद भी आपको क्या करना है, सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिएगा, ये डेस्कटॉप साइट पे जो ओपन होती है कुछ इस तरह का आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। सिंपली आपको इस फॉर्म को फिल करना है। सिंपली यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे नेम लिखना होगा, अपना नाम दे दीजिए। मैं आपको यहाँ पे नाम अपना फिल कर देता हूँ। आप यहाँ पे नाम फिल कर दीजिए अपना। यहाँ पे नाम फिल कर देना है और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पे आपको आपके फादर का नाम फिल कर देना। मैंने पहले अपना नाम फिल कर देता हूँ, अभी ये बैक हो गया था। तो सिंपली आपको इनमें फादर का नाम यहाँ पे फिल कर दीजिए। मैं अपने फादर का नाम फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा उम्र का, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एज का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इसमें अपनी एज जो है वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना, जो भी आपकी एज है। करने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप अपने हिसाब से चॉइस कर लीजिए आपका जेंडर क्या, मेल। तो सिंपली आप नीचे आना। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे अपने स्टेट जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है और आपको डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन है, इसमें आपको अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका लगता है, सिंपली आपको इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लेना। मैं अपना जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो चॉइस कर लेता हूँ। तो गाइस, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो चॉइस कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। ये आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो लगता है वही आपको उस फॉर्म में फिल करना है। सिंपली आपको इस पे कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना जो भी निर्वाचन क्षेत्र लगता है, यानी आपका निर्वाचन क्षेत्र क्या लगता है वो आपको यहाँ पे देख ले। मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो लगता है वो शमशाबाद यहाँ पे लगता है। तो सिंपली आप यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र या ये आपको कैसे मिल जाएगा, आपको पिछले ही जो वोटर आईडी होते हैं आपके घर में किसी भी सदस्य का वोटर आईडी कार्ड होगा, सिंपली आप उसमें देखिएगा उसमें निर्वाचन क्षेत्र क्या है। तो और उसके बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट पे भी आप सर्च कर सकते हैं, जो अब मैंने आपको अभी बताया है कि कुछ इस तरह से आप ये निर्वाचन क्षेत्र आप निकाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो आप मैंने ये शमशाबाद बताया है, तो आपका जो निर्वाचन क्षेत्र क्या लगता है, सिंपली वही आपको यहाँ पे जो फॉर्म था डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आपको ये फिल कर देना है। आपको यहाँ पे तीसरा नंबर मिल जाता है इलेक्ट्रिकल रोल ऑफ, सिंपली आपको यहाँ पे वही फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है प्लेस एंड डेट का, सिंपली प्लेस एंड डेट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे प्लेस में सिलेक्ट यानी लिख दीजिए आपका क्या प्लेस लगता है, यानी कहाँ से आप ये फिल कर रहे हैं, और डेट आपको उसी दिन का डेट लिख देना है। और आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यानी आप जो फॉर्म भर रहे हैं किसके नाम से भर रहे हैं उनकी आपको सिग्नेचर यहाँ पे देना होगा, या आप खुद फॉर्म ये फिल कर रहे हैं अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए, सिंपली आपको अपने इस सिग्नेचर यहाँ पे पेन से कर देना है। और जो भी फॉर्म होगा आपको ये फिल करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसका यानी आप
इसको स्कैन करवा लीजिए। अगर स्कैन अगर आपको आपको मतलब कि स्कैन नहीं करवाना है तो सिंपली आप इसका एक फ़ोटो ले लीजिए, जिससे आसानी से क्रॉप करके एक फ़ोटो ले लीजिए। उसके बाद आपको वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, वो आपको यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म आपने फिल किया है वो आपको वहाँ पे JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। तो कुछ इस तरह से आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म अप्लाई मतलब कि फिल कर सकते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में दोस्तों बताया कि आप वोटर कार्ड के लिए कैसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी, सिंपली आपको उसको वॉच कीजिए। तो गाइस आप एज डिक्लेरेशन जो फॉर्म होता है सिंपली आप वो उसको फिल करना सीख गए होंगे। और दोस्तों बता दूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सभी बताया था कि आप वोटर आईडी के लिए सिंपली मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे आप अपने वोटर आईडी का मतलब कि अप्लाई करने के बाद उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया गया है, तो आई बटन पे वीडियो दिए आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।